और दोस्तों, संजय एजुकेशन स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं संजय सैनी आपके लिए लेकर आया हूँ डे सिक्स का, हिंदी का जो हमारी सीरीज चल रही है, डे सिक्स के जो एमसीक्यू है पर हम चर्चा करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए जिसे पार करना कठिन हो। पार करना कठिन हो वो क्या कहलाता है हमारा? दूरस्थ कहलाता है। ठीक, पार करना कठिन हो वो क्या कहलाता है हमारा? दूरस्थ। जगह से न डिगे, वाक्य क्या हमारा? जो अपनी जगह से न डिगे। वाक्यांश के लिए उचित शब्द हमें बताना है। ठीक, हमारा जो वाक्यांश के लिए उचित शब्द है वह होगा हमारा अडिग। जो अपनी जगह से न डिगे उसे क्या कहते हैं? हम अडिग कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, ऊंट के मुंह में पान भरना, ऊंट के मुंह में पान भरना रेखांकित वाक्यांश के स्थान पर शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? शुद्ध वाक्य हमें यहाँ पर देखना है। ये हमारा जो मुहावरा है, ऊंट के मुंह में पान भरना, यहाँ पर जो पान भरना है यहाँ पर क्या आना चाहिए? ऊंट के मुंह में जीरा देना। कौन सा आना चाहिए? ऊंट के मुंह में जीरा देना। ऑप्शन नंबर एक हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, लाल किला भारत की रिक्त स्थान इमारत है। वाक्यांश में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द द्वारा कीजिए। लाल किला है वो भारत की क्या है? एक ऐतिहासिक इमारत है। क्या है? ऐतिहासिक इमारत। तो रिक्त स्थान में क्या जाएगा हमारा? ऐतिहासिक। यहाँ पर ऑप्शन नंबर एक देखिए, ऐतिहासिक, यहाँ पर जो बड़ा ए है ऑप्शन नंबर तीन में वो हमारा शुद्ध शब्द भी होगा। ये वाक्य वर्तनी शुद्धि में भी पूछा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। यहाँ पर एक वाक्यांश दिया गया है, इसके लिए एक शब्द हमें चुनना है। वाक्यांश हमारा जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो सके, इसे क्या कहते हैं हम? अप्रमेय। क्या कहते हैं? अप्रमेय। अगला हमारा प्रश्न है, वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोच्च शब्द का चयन कीजिए। वाक्य हमारा, प्रत्येक भारतीय भारतवासी को हिंदी का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पर रेखांकित शब्द कौन सा है हमारा? सामान्य। उसके जगह पर कौन सा हमारा शब्द आएगा? जो सही जवाब होगा वो होगा हमारा व्यावहारिक। कौन सा होगा? व्यावहारिक। प्रत्येक भारतवासी को हिंदी का व्यावहारिक ज्ञान होना चाहिए। ये हमारा अनिवार्य भी है और बढ़िया भी है, क्योंकि हर भारतवासी को कम से कम हिंदी तो आनी ही चाहिए। अगला हमारा प्रश्न है, भारत देश के रहने वाले बहुत सारे लोग गौतम बुद्ध के अनुयायी थे। वाक्य में प्रयुक्त अनुयायी का विलोम शब्द कौन सा होगा? अनुयायी का विलोम शब्द हमें यहाँ पर देखना है। यहाँ पर जो हमारा अनुयायी का विलोम शब्द है वो होगा हमारा विरोधी। कौन सा होगा? विरोधी। अनुयायी कौन होता है? उस बात को मानने वाला, उनके पद चिन्हों पर चलने वाला। और विरोधी कौन होता है? उनका विपरीत होता है। तो यहाँ पर विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनुयायी का विरोधी। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द, यहाँ पर जो मुहावरा दिया गया है इसके लिए एक सार्थक शब्द कौन सा है? वाक्य है हमारा, बहती गंगा में हाथ धोना। सही जवाब हो जाएगा हमारा, अवसर का फायदा उठाना। बहती गंगा में हाथ धोने का अर्थ क्या होता है? अवसर का फायदा उठाना। अगला हमारा प्रश्न है, स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा होगा? यहाँ पर चार शब्द दिए गए, इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा शब्द होगा?
यहाँ पर जो हमारा स्वर्ग है इसका जो पर्यायवाची शब्द है वो कौन सा होता है? देवलोक। कौन सा होता है? देवलोक। स्वर्ग को हम देवलोक भी कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस वाक्य में गंगा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? गंगा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग कौन से वाक्य में किया गया है? यहाँ पर जो गंगा का जो पर्यायवाची है वो है हमारा देव नदी। कौन सा है? देव नदी। गंगा को देव नदी भी कहते हैं। और वाक्य नंबर 4 के अंदर देव नदी का जल पवित्र होता है। यहाँ पर गंगा के जो पर्यायवाची शब्द है देव नदी उसका यहाँ पर प्रयोग किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित संज्ञा से करें। यहाँ पर हमें संज्ञा शब्द से इसकी पूर्ति करनी है। यहाँ पर हमारा जो वाक्य है वह है, रिक्त स्थान तरल अवस्था में होता है। अब वाक्य हमारे जो ऑप्शन है, कुछ, वह, सुंदरी और पारा। तरल अवस्था में कौन होता है? हमारा पारा होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब हो जाएगा, पारा तरल अवस्था में होता है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से, संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध वाक्य हमें यहाँ पर देखना है। यह शब्द के प्रयोग की दृष्टि से हम देखें तो ऑप्शन नंबर 4 रघुवीर मेरा अग्रज है, यह क्या हो जाएगा वाक्य हमारा शुद्ध हो जाएगा, रघुवीर मेरा अग्रज है। अगला हमारा प्रश्न है, दादा दादी का सबके जीवन में पूजनीय स्थान होता है। उपरोक्त वाक्य के किस भाग में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? हमें यहाँ पर इस वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द देखना है। यहाँ पर हमारा जो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वह है हमारा पूजनीय स्थान। क्या है? पूजनीय स्थान। यहाँ पर हमारा पूजनीय जो आधा जय लिखा हुआ है यहाँ पर पूरा जाएगा और यह नहीं आएगा, पूजनीय स्थान होता है वाक्य। अगला हमारा प्रश्न है, वीर और साहसी पुरुष साधारण नहीं होते अपितु रिक्त स्थान प्रतिभा से युक्त होते हैं। साधारण के विलोम शब्द से वाक्य को पूर्ण करना, हमें यहाँ पर साधारण का विलोम शब्द जो भी प्रयुक्त हुआ है हमें यहाँ पर यूज करना है। साधारण का जो विलोम शब्द होता है वो होता है हमारा विलक्षण। कौन सा होता है? विलक्षण। तो वीर और साहसी पुरुष साधारण नहीं होते अपितु विलक्षण प्रतिभा से युक्त होते हैं, ये हमारा वाक्य यहाँ पर पूर्ण हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोच्च विकल्प चुनिए। वाक्य हमारा, आवश्यक कार्य में रत रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला। यहाँ पर रेखांकित रत, यहाँ पर हमें इसका रेखांकित शब्द का सर्वोच्च विकल्प यानी रथ के स्थान पर हम कौन सा वाक्य यूज कर सकते हैं, कौन सा शब्द कर सकते हैं, वो हमें यहाँ पर देखना है। यहाँ पर हम रथ के स्थान पर व्यस्त भी यूज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं व्यस्त भी। आवश्यक काम में व्यस्त रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला। रथ के स्थान पर कौन सा यूज कर सकते हैं हम? व्यस्त भी हम यूज कर सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश में से कुछ शब्द हटा दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक संख्या के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 16 है, रिक्त स्थान एक की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन हमें यहाँ पर करना है। हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, बाबा जी भी मनुष्य ही थे, अपनी वस्तु की खाली रिक्त स्थान दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गए। यहाँ पर हमें ऑप्शन नंबर 1 को भरना है, रिक्त स्थान 1 को भरना। ऑप्शन नंबर 1 का जो सही जवाब होगा वो होगा हमारा प्रशंसा। कौन सा होगा? प्रशंसा। बाबा जी भी मनुष्य ही थे, अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरों के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। यहाँ पर नंबर 1 में क्या आ जाएगा? प्रशंसा। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 2 की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। हमें यहाँ पर रिक्त स्थान 2 को भरना है। वाक्य हमारा, घोड़े को खोलकर बाहर गए
बाद में रिक्त स्थान वायु वेग से उड़ने लगा। यहाँ पर हमें रिक्त स्थान दो को भर। यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा घोड़ा। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा, घोड़े को खोलकर बाहर ले गए, उसके बाद में क्या हुआ, घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा का मतलब क्या है, दौड़ने लगा। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 3 की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर हमें रिक्त स्थान 3 को भरना है। का जो सही उत्तर है वो होगा हमारा कौन सा होगा, उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप रिक्त स्थान गया। अब रिक्त स्थान 3 में उत्तर क्या होगा, उसकी चाल देखकर, किसकी, घोड़े की चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप गया। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 4 की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। हमें यहाँ पर सांप के आगे जो रिक्त स्थान 4 है उसको यहाँ पर भरना है। उत्तर होगा हमारा, देखो ऑप्शन नंबर 3 में क्या आया था, उसकी उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। क्या गया, सांप लौट गया। तो ऑप्शन नंबर 4 के अंदर उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, लौट गया। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 5 की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। हमें यहाँ पर रिक्त स्थान 5 को भरना है। नंबर 5 यानी रिक्त स्थान 5 के अंदर हमारा उत्तर हो जाएगा, वह अपना अधिकार समझता है। इसे हम वाक्य पढ़ते हैं, वह डाकू था जो उसे उसकी पसंद जो उस वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। जो खड़क सिंह था वह क्या करता था कि उसे जो भी वस्तु पसंद आ जाती वह उसे अपना उस पर अपना अधिकार समझने लगता था। ये थे हमारे टॉप 20 के। दोस्तों मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, आप स्टडी के साथ साथ अपने एक कोई ना कोई स्किल को, जो भी आपको पसंद हो उस स्किल पर भी आप हमेशा ध्यान दें, ताकि अगर आप कहीं पर भी सफल ना हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कम से कम आप उस स्किल के बदले या उस स्किल के माध्यम से अपना स्वरोजगार भी आप कर सको। तो हमें अपनी एक स्किल के ऊपर भी हमेशा काम करते रहना चाहिए। आपको ये सीरीज कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और आपके आज कितने परसेंट सही हुए ये भी हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाते रहें। धन्यवाद।